नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देशवासियों से मन की बात। बोले 11 सितंबर से चलेगा राष्ट्रव्यापी प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान। 29 अगस्त को शुरू होगा फिट इंडिया आंदोलन। उत्तराखंड में सभी जगह गंभीरता से सुनी गई प्रधानमंत्री के मन की बात। प्लास्टिक मुक्त भारत समेत विभिन्न विषयों ने किया श्रोताओं को प्रभावित। लोगों ने लिया अमल का संकल्प। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई नेता पहुंचे अंतिम विदाई देने। और उत्तरकाशी जिले में मोरी ब्लॉक के आपदा प्रभावित गांव में राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी। सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेज। 31 अगस्त तक सुचारू हो जाएगी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामुदायिक सेवा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनको सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। इसको ध्यान में रखते हुए 11 सितंबर से प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात के जरिए लोगों से संवाद कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है और इसे ईंधन में बदला जा सकता है। उन्होंने सिंगल यूज यानी दोबारा इस्तेमाल न होने वाले प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए लोगों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। महात्मा गांधी से एक बात हमेशा जुड़ी रही, एक प्रकार से उनके जीवन का वो हिस्सा बनी रही, और वह थी सेवा, सेवा भाव, सेवा के प्रति कर्तव्य परायणता। उन्होंने उन किसानों की सेवा की जिनके साथ चंपारण में भेदभाव किया जा रहा था। उन्होंने उन मिल मजदूरों की सेवा की जिन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जा रही थी। उन्होंने गरीब, बेसहारा, कमजोर और भूखे लोगों की सेवा को अपने जीवन का परम कर्तव्य माना। इस बार प्लास्टिक पर विशेष जोर देना है। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने ये कहा कि जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ 125 करोड़ देशवासियों ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, खुले में शौच से मुक्ति के लिए कार्य किया, उसी प्रकार हमें साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करना है। इस मुहिम को लेकर समाज के सभी वर्गों में उत्साह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना देशभर में पोषण अभियान के रूप में समर्पित है। उन्होंने महिलाओं और नवजात शिशुओं सहित सभी के लिए संतुलित और पोषक आहार पर जोर दिया। उन्होंने पोषण अभियान का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशभर में फिट इंडिया आंदोलन शुरू किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सेस वाइल्ड के प्रसारण के बाद लोग वन्य जीवन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे विश्व को भारत की परंपराओं और प्रकृति के प्रति उसकी उदारता के बारे में जानने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत 2022 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि ये न्यू इंडिया है जहां लक्ष्य समय से पहले पूरे किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल बाघों की संख्या बल्कि संरक्षित क्षेत्रों और सामुदायिक वन क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है। बाघों को लेकर 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुआ था। इसमें दुनिया में बाघों की घटती संख्या को लेकर चिंता जाहिर करते हुए एक संकल्प लिया गया था। यह संकल्प था 2022 तक पूरी दुनिया में बाघों की संख्या को दोगुना करना। लेकिन यह न्यू इंडिया है, हम लक्ष्यों को जल्दी से जल्द पूरा करते हैं। हमने 2019 में ही अपने यहाँ टाइगर की संख्या दोगुनी कर ली। भारत में सिर्फ बाघों की संख्या ही नहीं बल्कि प्रोटेक्टेड एरियाज और कम्युनिटी रिजर्व्स की संख्या भी बढ़ी है। जब भी हम प्रकृति और वन्य जीवों की बात करते हैं तो केवल कंजर्वेशन की ही बात करते हैं, लेकिन अब हमें कंजर्वेशन से आगे बढ़कर कंपेशन को लेकर सोचना ही होगा।
उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को लोगों ने बेहद गंभीरता के साथ सुना। उन्होंने न केवल इसमें शामिल किए गए विषयों की सराहना की अपितु इन पर अमल का संकल्प भी लिया। हरिद्वार में लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को पूरी तन्मयता के साथ सुना। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण और महात्मा गांधी के त्याग व शांति के संदेशों को जोड़कर देश के प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ करने के लिए प्रेरित किया, उसका गहरा असर जनमानस पर दिखाई दिया। देश की सांस्कृतिक, भौगोलिक व पर्यावरणीय विविधता को जानने के लिए हर साल घूमने के आह्वान और मैन वर्सेस वाइल्ड के प्रधानमंत्री के साझा किए गए अनुभव ने भी श्रोताओं को प्रभावित किया। जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें और देश के सभी युवाओं, वृद्धाओं एवं माताओं को जो सूचना दी है और जो बात कही है, उससे हमें बहुत ही बढ़िया फील हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात में जो उन्होंने श्री कृष्ण और गांधी जी की आइडियोलॉजी को जोड़ के जो बताया उन्होंने कि जैसे स्वच्छता के बारे में और बाघों के संरक्षण के बारे में, और युवा को प्रेरित किया है कि वो सफाई की ओर आकर्षित हों और प्रेरित हों और लोगों को भी प्रेरित करें। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो उनका फोकस रहता है हर बार कि नॉर्थ ईस्ट में के बाद अपने बच्चों को बताया कि सिक्किम, मणिपाल, मिजोरम जो हमारे देश की से कटे रहे बहुत सालों तक, और आज प्रधानमंत्री जी की वजह से उन प्रदेशों को भी एक अलग पहचान मिली है, और हम लोगों को भी अपने बच्चों को छुट्टियों में, वैकेशंस में वहां लेके जाना चाहिए। चंपावत जिले के दुरस्त रीठाखाल क्षेत्र में लोगों ने आकाशवाणी के माध्यम से प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी और इसके विभिन्न विषयों, खासकर प्लास्टिक मुक्ति के अभियान, वन्य जीव संरक्षण, स्वच्छता, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों को काफी सराहा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से हर बार कुछ न कुछ नया सामने रखते हैं। इस बार उन्होंने प्लास्टिक पर जो बात रखी, समस्त देश के लिए पर्यावरणीय और अन्य पहलुओं से बेहद खास है। इस बार जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो लगी प्लास्टिक की बनी चीजों से का प्रयोग दोबारा न करें, और वैसे तो सारी चीजें अच्छी लगी जो कि हमने वाइल्ड लाइफ के ऊपर कहा कि वन्य जीवों को हम संरक्षित करें वाइल्ड लाइफ में, जैसे कि इस बार बाघों की संख्या को दोगुना कर दिया गया है, तो ऐसा ही अगर हम प्रयास रखेंगे तो वन्य जीव अगर बने रहेंगे तो हमारा पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहेगा। कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों में हर उम्र के लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को पूरी तल्लीनता से सुना। लालपुर क्षेत्र में 99 वर्षीय नंदन सिंह और 83 वर्षीय महिपाल सिंह सरीखे वयोवृद्ध ग्रामीण भी मन की बात सुनने को लेकर काफी उत्सुक थे। उन्हें प्रधानमंत्री के संबोधन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भगवान श्री कृष्ण का बेहतरीन ढंग से किया गया उल्लेख काफी अच्छा लगा। प्लास्टिक रोकने और स्वच्छता संबंधी आह्वान भी ग्रामीणों को प्रेरणादायी लगा। महात्मा गांधी ने क्या किया और महात्मा गांधी कौन था और महात्मा गांधी कौन था और क्या था, तो भाई ऐसी बात है, महात्मा गांधी ने तो ये क्या जो सब महात्मा गांधी ने हमको चलना सिखाया, हिटना सिखाया, बोलना सिखाया, सत्संग का भाव को बताया, प्रेम भाव सिखाया, भाई बंधु में प्रेम रहो ये सिखाया। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन शर्म सही। और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, शौच खुले स्थान पे नहीं करना चाहिए और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ये महात्मा गांधी ने। और सबसे प्रेम से रहना चाहिए, जाति धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और हमको सबको सभी धर्मों के साथ मिलकर रहना चाहिए, और देश में सफाई का वो जरूरी है सफाई। हमें हमेशा महात्मा गांधी जी से और श्री कृष्ण से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने समाज के हित के लिए क्या किया, दुष्टों का नाश किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व उनके पार्थिव शरीर को आवास से भाजपा मुख्यालय लाया गया, जहां पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा मुख्यालय से निगम बोध घाट तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। निगम बोध घाट पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के
अलावा विभिन्न दलों के नेता मौजूद थे। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली पहुंचने के साथ ही निगम बोध घाट पर जाकर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस बीच राज्य के अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं के भी दिल्ली में श्री जेटली के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने की खबर है। इसके अलावा योग गुरु स्वामी रामदेव समेत कई लोगों ने उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। अरुण जेटली का कल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया था। 66 वर्षीय श्री जेटली को इस महीने की 9 तारीख को एम्स में भर्ती कराया गया था। अरुण जेटली के निधन पर प्रदेश में आज एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है। सभी सरकारी इमारतों पर शोक में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा और कोई शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। उत्तरकाशी जिले में मोरी ब्लॉक के आपदा प्रभावित गांवों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की मौजूदगी में बेस कैंप आराकोट से प्रभावित गांवों के लिए रसद पहुंचाई गई। बलावट, माकुली, मोंडा, डगोली, कलीच, टिकोची गांव के आपदा प्रभावित परिवारों को फूड पैकेट्स वितरित किए गए। करीब 300 वन पीआरडी पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के साथ ही मजदूर राहत कार्य में लगाए गए हैं। इस बीच जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने मलाना, नगवाड़ा, मोलड़ी गांव के आपदा पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात की। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क खुलवाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पैदल रास्तों को ठीक किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए भी लगातार काम चल रहा है और 31 अगस्त तक आपदा प्रभावित सभी गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। उधर टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक क्षेत्र में सुवाखोली अलमस भवान नगुण मोटर मार्ग के किलोमीटर 21 पर स्थित 40 वर्ष पुराने स्टील गार्डर के बिलोंदी पुल के पैनल में छेद हो गया है। इसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों की आवाजाही फिलहाल अस्थायी तौर पर बंद की गई है। बताया गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक भारी वाहन नगुड़ चंबा कड़ीसोण मार्ग से होकर गुजरेंगे। बागेश्वर जिले में बाल विकास परियोजना के तहत पदयात्रा निकालकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। बागेश्वर स्थित विकास भवन में बाल विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद और सीडीपीओ निर्मल बसेड़ा ने पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा में बाल विकास विभाग, महिला शक्ति केंद्र, राष्ट्रीय पोषण अभियान व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और लोगों को बेटियों की तरक्की के लिए जागरूक किया। तहसील मार्ग माल रोड नुमाइश खेत बाजार होते हुए पदयात्रा विकास भवन पहुंचकर संपन्न हुई। इसके साथ ही कपकोट ब्लॉक और गरुड़ में भी पदयात्रा निकाल लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। कॉलेजों की छात्राओं ने भी पदयात्रा में शिरकत की। पदयात्रा में भाग लेने वाली महिलाओं और छात्राओं का कहना था कि इस तरह के आयोजन समाज में जागरूकता लाते हैं। रैली से ताकि वो जागरूक हो कि बेटियों को बचाना कितना जरूरी है और बेटियों को पढ़ाना कितना जरूरी है। ये योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं। ये योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर रखी है। हम आंगनबाड़ी समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हम इसी में काम करते हैं और सभी को हम बताते हैं, सभी महिलाओं को बताते हैं, सभी को हम अपने केंद्र में बताते हैं कि भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। बेटियों को जो लोग कोख में मार देते हैं यह पाप है और ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों के साथ अल्मोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शहीद जवानों के परिवारों की वीर नारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गरुड़ डिवीजन की कांगो ब्रिगेड के सौजन्य से 13 सिख रेजिमेंट ने किया। इस दौरान आयोजित शिविर में शहीद परिवारों की पेंशन, कैंटीन कार्ड, ECHS कार्ड और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान किया गया। ब्रिगेडियर विजय काला की पत्नी रितु काला ने भी नारियों को सम्मानित किया। शहीदों के परिजनों ने कहा कि सेना उनके परिवारों का विशेष ध्यान रखती आ रही है। इस साल हम नेक्स्ट ऑफ किंग मतलब हमारे जो आगे बच्चे हैं उनके लिए ये वर्ष 2019 उनके लिए समर्पित किया गया है। तो इसमें हमारा जो पिता या पुत्र की मृत्यु होने के बाद इनको क्या क्या वित्तीय सहायताएं मिल पाती हैं या क्या क्या इनके हक हैं
उनका हम बेसिकली हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इनको जागरूक किया जाए। वीर नारियों को आज हम सम्मानित कर रहे हैं यहाँ पे और इन्हीं के ही जो भी समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए, इनका निवारण करने के लिए बेसिकली हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है, बुलाया हमको यहाँ, हमारी इतनी इज्जत करी, हमको हर समय सम्मान मिलता है, हर साल हमको बुलाया जाता है, बहुत अच्छा लगा। साथ में दुख भी होता है, फिर अच्छे में बहुत लगता है। इन लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम करा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आके बहुत अच्छा हुआ, दिल को भी शांति मिलती है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।